और अब बुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के राजगीर में ऐतिहासिक नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन किया। सुबह के समय नालंदा यूनिवर्सिटी पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने पहले विश्वविद्यालय की पुरानी धरोहर को करीब से देखा। इसके बाद वो यहाँ नए कैंपस में पहुंचे, जहां पर उन्होंने बुद्ध वृक्ष लगाया और फिर नए कैंपस का उद्घाटन किया। इस मौके पर विदेश मंत्री एस जयशंकर, बिहार के राज्यपाल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लौट रहा है। नालंदा के ध्वंस ने भारत को अंधकार से भर दिया था। अब इसकी पुनर्स्थापना भारत के स्वर्णिम युग की शुरुआत करने जा रहा है। साथियों, अपने प्राचीन अवशेषों के समीप नालंदा का नवजागरण, ये नया कैंपस विश्व को भारत के सामर्थ्य का परिचय देगा। दरअसल दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय नालंदा अपने साथ इतना प्राचीन इतिहास समेटे हुए है, जिसे लेकर कई किताबें लिखी जा चुकी हैं। कहा जाता है कि जब दुनिया में विश्वविद्यालय बनना शुरू हुए थे, उस वक्त नालंदा कई सौ सालों की अपनी विरासत बना चुका था। और उद्घाटन से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने 1600 साल पुराने नालंदा यूनिवर्सिटी के खंडहर का दौरा करके इसके अतीत में झांकने की कोशिश की। 12वीं सदी में जो नालंदा विश्वविद्यालय इतिहास बन चुका था, उसे फिर से पुनर्जीवित करने का सपना देश के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम ने देखा। बिहार विधानमंडल के संयुक्त सदन को संबोधित करते हुए बिहार दौरे पर आए कलाम साहब ने कहा था कि नालंदा का गौरव वापस आना चाहिए। कलाम साहब ने जो सपना देखा, उसे नीतीश कुमार ने आगे बढ़ाया और आज हकीकत देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय कैंपस का शुभारंभ किया है। नालंदा यूनिवर्सिटी का ये नया कैंपस आधुनिकता और इतिहास का अनोखा संगम है, जो कई खूबियों और सुविधाओं से लैस है। विश्वविद्यालय में दो एकेडमिक ब्लॉक हैं, जिनमें 40 क्लासरूम हैं, जिनमें 1900 छात्रों के पढ़ने की व्यवस्था है। इसमें 550 छात्रों की क्षमता वाला हॉस्टल है। कैंपस में दो ऑडिटोरियम है, जिसमें 300 सीटें हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल सेंटर और एमपी थिएटर भी है, जहां 2000 लोग बैठ सकते हैं। यही नहीं, छात्रों के लिए फैकल्टी क्लब और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सहित कई और सुविधाएं मौजूद हैं। करीब 455 एकड़ में फैला ये विश्वविद्यालय कार्बन मुक्त नेट जीरो कैंपस है, यानी इसे पर्यावरण के अनुकूल तैयार किया गया है। नालंदा ये केवल नाम नहीं है, नालंदा एक पहचान है, एक सम्मान है, नालंदा एक मूल्य है, नालंदा एक मंत्र है, गौरव है, गाथा है। नालंदा है उद्घोष इस सत्य का कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। बिहार की धरती पर मौजूद नालंदा यूनिवर्सिटी का इतिहास गौरवशाली रहा है। करीब 1600 साल पहले नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना 5वीं सदी में हुई थी, जहां करीब 10,000 छात्र पढ़ते थे, जिनके लिए 1500 शिक्षक हुआ करते थे। यहां पढ़ने वाले ज्यादातर छात्र एशियाई देशों जैसे चीन, कोरिया, जापान, भूटान से आने वाले बौद्ध भिक्षु थे, जो मेडिसिन, तर्कशास्त्र, गणित और बौद्ध सिद्धांतों के बारे में पढ़ाई करते थे। इतिहासकारों के मुताबिक चीनी भिक्षु वेनसांग, फाहियान और इत्सिंग ने भी नालंदा में शिक्षा ग्रहण की थी। उन्होंने अपने किताबों में नालंदा विश्वविद्यालय की भव्यता का जिक्र किया है। बताया जाता है कि 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने एक हमले में इसे जला दिया था। ये 5वीं शताब्दी के बाद से जब शुरू हुआ है, तो ये 8वीं शताब्दी तक इसके इतिहास मिलते हैं कि इसके बहुत इसकी भव्यता रही है और बाहर के देशों के बहुत सारे छात्र यहाँ आके पढ़ा करते थे।
जिसमें आप 7वीं शताब्दी में ही फाहियान के बाद हम ह्वेनसांग को देखते हैं कि वो नालंदा में आता है, और उसके बाद इत्सिंग भी 7वीं शताब्दी में आता है। दोनों ने अपनी जो ट्रेवल अकाउंट्स है, अपनी जो यात्रा वृतांत है, उन्होंने दोनों ने नालंदा विश्वविद्यालय की भव्यता के बारे में बताया है। हालांकि 800 वर्षों बाद अब फिर से नालंदा विश्वविद्यालय का गौरव लौट आया है। इसमें 17 देशों के 400 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं और यहां एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी भी बनाई जा रही है। राजगीर से शशि भूषण, गुड न्यूज टुडे।